आज के टाइम पर वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। लोग 10-10 मिनट में, 2-2 मिनट में और AI का यूज करके सेकंड्स में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। और अगर आपका किसी ना किसी टाइप का बिजनेस है या फिर कोई पर्सनल ब्रांड है, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी जो ब्रांड होती है उसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है और लोगों को आप पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको अपने कस्टमर्स एक्वायर करने हैं गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन के थ्रू, तो एक वेबसाइट का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपने लिए एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, एंड तक देखना। अब ना, एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दो मेन चीजों की जरूरत होती है, एक होता है डोमेन और एक होती है होस्टिंग। होस्टिंग का बेसिकली सा मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट पर एक छोटी सी स्पेस खरीदते हो जहां पर आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा स्टोर होता है, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। वेरस डोमेन जो होता है वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। अब आपको होस्टिंग और डोमेन खरीदने के लिए होस्टिंगर पर आना है, एंड लेट मी टेल यू, ये मुझे सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म लगता है, इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप कभी भी इससे होस्टिंग खरीदोगे ना, तो इसमें आप फ्री में डोमेन क्लेम कर सकते हो, प्लस आपको 100 प्रोफेशनल ईमेल्स भी फ्री में मिलते हैं। प्रोफेशनल ईमेल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी का नाम विंसिबल है तो damini@vincible.com मेरा प्रोफेशनल ईमेल हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाता है। अब सबसे पहले ना आपको होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर आ जाना है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लान्स दिखते हैं, इनमें से मैं ये वाला यूजुअली लोगों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ना कम पैसों में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको फ्री में SSL मिल जाएगा, प्रोफेशनल ईमेल्स मिल जाएंगे, फ्री में आप एक डोमेन क्लेम कर सकते हो और बहुत सारी चीजें। आपको ना अपना होस्टिंग प्लान सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, और फटाफट डिटेल्स फिल आउट करके एक पेमेंट करनी है। अब पेमेंट के लिए भी आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको जो भी सूट करता है आप उससे पे कर सकते हो। आपको होस्टिंग का कोई भी प्राइस दिखा रहा हो, अगर आप कूपन कोड में दामिनी यूज करते हो ना, तो आपको स्ट्रेट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। अब जैसा कि आप देख सकते हो, हमने हमारी होस्टिंग खरीद ली है, अब हमें हमारा ईमेल वेरीफाई करना है। तो ये भी जो भी आपको स्टेप्स बताता है ना, आप उसके थ्रू अपना ईमेल वेरीफाई कर लेते हो। और जैसे ही आप ये करते हो ना, आपको डोमेन क्लेम करने का एक नया ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप अपने डोमेन्स क्लेम कर सकते हो। अब होस्टिंगर में आप फ्री में .in.com.org.net.io कोई भी टाइप के डोमेन्स को क्लेम कर सकते हो। एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि जो डोमेन होता है ना, वो आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी को दिखाता है। तो आप डोमेन खरीदने से पहले थोड़ा सोचिए, ये सोचिए कि कैसा डोमेन रखना चाहिए। इनकेस अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसका ऑलरेडी नाम होगा, तो आपको उसी के थ्रू जाना चाहिए। बट अगर ऐसा है कि आपके बिजनेस का कोई नाम नहीं है, आपको एक अच्छा डोमेन चाहिए, तो ऐसा डोमेन चुनो जो आपकी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडियंस को सबसे ज्यादा हेल्प करे। जैसे कि मुझे ये वाला डोमेन खरीदना था, तो मैंने चेक किया, ये मुझे अवेलेबल दिख रहा है, मैं इसको फटाफट क्लेम कर लूंगी, तो मेरा डोमेन मेरे पास आ जाएगा। अब जब आप डोमेन क्लेम करते हो ना, तो आपको अपने डोमेन को रजिस्टर भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप वो सारे फिल आउट करोगे ना, तो आप अपना डोमेन रजिस्टर कर लेते हो। अब जब आपका डोमेन रजिस्टर हो चुका है ना, तो आपको अपनी होस्टिंग सेटअप करनी है। होस्टिंग के सेक्शन में देखो, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं, आपको क्या नई वेबसाइट बनानी है, अपनी पुरानी वेबसाइट माइग्रेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी है ना, तो आप डायरेक्टली होस्टिंगर पर ही अपनी वेबसाइट माइग्रेट भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे ना एक नई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आई विल क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पर मैं क्लिक करूंगी, और उसके बाद ये आपको दो ऑप्शंस दिखाता है। या तो आप होस्टिंगर का जो AI वेबसाइट बिल्डर है उससे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, या फिर वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो होस्टिंगर का AI बिल्डर है ना, इसमें आप बहुत इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। कुछ ही क्लिक्स में आपको अपने कुछ प्रॉम्प्ट्स देने हैं, कुछ बताना है, और उसके बाद ये आपकी वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा। दो, मुझे थोड़े ज्यादा कस्टमाइजेशंस चाहिए अपनी वेबसाइट पे, तो मैं वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाऊंगी। अब आपको फटाफट यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल्स देनी है। इसके बाद ये पूछता है आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, आपको ब्लॉग चाहिए, ई-कॉमर्स चाहिए, बिजनेस वेबसाइट चाहिए। मैं यहाँ पर सिंपली ब्लॉग क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स देखने को मिलती है। अगर आपको इसमें से कोई थीम अच्छी लग रही है ना, तो आप उसको सिलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हो। इनकेस अगर आपको कोई भी थीम अच्छी नहीं लग रही है, तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस पे अपनी थीम्स को एडिट कर सकते हो। अभी ना मैं ये वाली थीम इससे सिलेक्ट कर ले रही हूँ, लेकिन जब मैं वर्डप्रेस पे जाऊंगी तब मैं दूसरी थीम पर कस्टमाइजेशन करूंगी। नेक्स्ट में ना ये आपको पूछता है आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए। मैं इसमें से सारे डिसलेक्ट कर दूंगी, सिर्फ एक रखूंगी, विच इज गूगल साइट किट, ताकि मैं अपनी वेबसाइट का एनालिसिस एंड एवरीथिंग चेक कर सकूं। अब आप यहाँ पर देखोगे, आपने जो डोमेन परचेज किया है ना, वो आपको यहाँ पर शोकेस हो रहा होगा। आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और अपनी होस्टिंग से इसको लिंक करना है। और लास्ट में ये पूछता है कि आपकी वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस, आप किसको टारगेट करना चाहते हो, वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है। तो मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लूंगी। और ये ना हमसे टारगेट ऑडियंस इसलिए पूछता है ताकि वो हमारी जो होस्टिंग है उसके सर्वर्स उस पर्टिकुलर लोकेशन पर लोकेट कर पाए, ताकि वहां पर जो लोग विजिट कर रहे हैं ना, उनको थोड़ी ज्यादा स्पीड मिले। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस ना इंस्टॉल होने लगा है। इसके अलावा यहाँ पर कस्टम ईमेल का ऑप्शन, SSL का ऑप्शन, आपको सब कुछ दिख जाता है। मैं एंड में बताऊंगी कि आप अपना कस्टम ईमेल कैसे सेटअप कर सकते हो। अब जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया ना, तो
आपको एडमिन पैनल पर क्लिक करना है, आप सीधे वर्डप्रेस पर पहुंच जाओगे। होस्टिंगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, अगर आपको उस हिसाब से वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। बट क्योंकि मुझे थोड़ी कस्टमाइज्ड वेबसाइट चाहिए तो मैं ये जो पूरे ऑप्शंस हैं इन्हें स्किप करूंगी और डायरेक्टली वर्डप्रेस की थीम पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करूंगी। अब वर्डप्रेस में एक अपीयरेंस का सेक्शन आता है, वहां पर आपको थीम्स पर जाना है। या तो आपके पास दो ऑप्शंस है, अगर आपके पास एक थीम ऑलरेडी परचेज्ड है तो आप उसको डायरेक्टली अपलोड करके यूज कर सकते हो, या फिर आप एड न्यू थीम पर क्लिक करके मल्टीपल थीम्स को देख सकते हो और उनमें से जो भी आपको पसंद आ रही है उसको यूज कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी 3-4 परचेज थीम है जिसका मैं यूज करने जा रही हूं, तो मैं सिंपली यहां पर अपनी थीम अपलोड करूंगी और जैसी वो अपलोड हो जाएगी मैं उसको इजीली कस्टमाइज कर सकती हूं। अब जैसा आप देख सकते हो मेरी ना थीम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं प्लगइन्स के सेक्शन पर जाऊंगी और जितने भी प्लगइन्स ये मुझे सजेस्ट कर रहा है ना मैं फटाफट सारे एक बार इंस्टॉल कर लूंगी ताकि मेरी थीम पर मैं अच्छे से कस्टमाइजेशन कर सकूं। अब जो हमारी थीम अपलोड हो गई है ना इसमें हम एक डेमो थीम अपलोड करेंगे और जैसी वो हो जाएगी हम डायरेक्टली इसको थीम सेटिंग्स में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर आप वर्डप्रेस के अपीयरेंस में जाके अपनी कोई थीम ऐड कर रहे हो उसे बस आपको सिंपली एक्टिवेट करना है और कस्टमाइज के ऑप्शन पर जाना है और आपको वहां पर ना मल्टीपल थीम की सेटिंग्स दिखने लगेगी। अभी जो मेरी करेंटली मैंने थीम परचेज की थी वो ऐसी दिखती है। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से अपनी होस्टिंग बाय करते हो तो मेरी एक ईबुक है क्लिक्स टू कन्वर्जेंस जो फेसबुक एड्स के लिए है फॉर बिगिनर्स, उसका एक्सेस भी मैं आपको फ्री में दूंगी। और ये जो मेरी ईबुक है ना इसने कई लोगों को हेल्प किया है फेसबुक एड्स सीखने में और सक्सेसफुली कैंपेन्स लॉन्च करने में। आपको ना बस कुछ नहीं करना है, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग बाय करते हो मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, मैं उसका फ्री में एक्सेस आपको दे दूंगी। अब आते हैं हमारी थीम के सेटिंग्स पर। यहाँ पर ना आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको ना यहाँ पर साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो मल्टीपल अपनी वेबसाइट पर कलर्स टेस्ट आउट कर सकते हो, फॉन्ट टेस्ट आउट कर सकते हो, आपकी जो वेबसाइट का आइकन होता है वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हो एंड इवन अपनी वेबसाइट का लोगो, वेबसाइट का अपीयरेंस कैसा होगा ये सब कुछ यहीं पर होता है। एंड इवन अगर आपको कोई पेजेस ऐड करने हैं तो वर्डप्रेस में एक ऑप्शन आता है जहां पर आप पेजेस में ऐड न्यू पेज करके अपनी वेबसाइट पर पेज क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी कस्टमाइजेशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आपको बस एक थीम सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट 10 मिनट के अंदर अंदर क्रिएट कर सकते हो। ये तो मैं आपको बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि आप अपना न्यूज वेबसाइट या फिर ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं एक वीडियो बनाऊँ कि आप वर्डप्रेस पर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे सेटअप कर सकते हो तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, मैं जल्दी उस पर ट्यूटोरियल लेकर आऊंगी। अब हम मूव ऑन करते हैं कि आप अपने जो कस्टम ईमेल्स है ना उसको कैसे एक्सेस करोगे। आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड में जाना है, वहां पर आपको कस्टम ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसे सेटअप करना है। ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, वो आपको फटाफट फिल आउट करनी है और फिर आप बहुत इजीली अपने जो मेल्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि आप अपनी बिजनेस वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग या फिर न्यूज वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगा इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इतना अच्छा कंटेंट कहीं मिलता है।